अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको इस एग्जीबिशन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। बेसिकली ये फाइनल ईयर डिस्प्ले है सफाडा के स्टूडेंट्स का, और सफाडा स्टैंड फॉर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स डिजाइन एंड आर्किटेक्चर, जिधर फैशन और टेक्सटाइल डिजाइन के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आज अपना डिस्प्ले किया हुआ है। इसके बाद दो दिन के बाद ग्राफिक और इंटीरियर डिजाइन के स्टूडेंट्स का डिस्प्ले होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा विजिट करवाता हूँ। ये जो आप ग्रीनरी देख रहे हैं, एक्चुअली हमारा जो कॉन्सेप्ट था इस दफा दैट वाज बायोफिलिक डिजाइन, जिसमें हम जो है वो एनवायरमेंटल को मोर बेटर करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि वी आर प्लेइंग आवर रोल्स टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी एंड वी वांटेड कि हम हर चीज को ग्रीन बनाएं, ग्रीन को प्रमोट करें, बिकॉज दैट इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। जिस तरीके से, बिकॉज फैशन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, और फास्ट फैशन ने हमारे क्लाइमेट चेंज में बड़ा रोल अदा किया है, और बस हमारा ये था कि एक बायोफिलिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिससे किसी देखने वाले को भी लगे कि वी आर वर्किंग ऑन समथिंग इको फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, कंसीडरिंग सस्टेनेबल गोल्स। आइए मैं आपको कुछ दो तीन बच्चों का कुछ दिखा देता हूँ। ये एक डिस्प्ले है, जैसे हम इधर से स्टार्ट करते हैं। ये किस बच्चे का है? प्रशांत, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन, ये है क्या? जो बच्चे सेल फोन ज्यादा यूज करते हैं वो ऐसे कपड़े बनाएंगे, कपड़ों में टॉयज लगे हुए हैं जो कि डिटैचेबल हैं, और वो बच्चे ये जो टॉयज हैं ये किसी और ड्रेस पे भी लग सकते हैं। तो बच्चे इंस्टेड ऑफ यूजिंग फोन दे कैन प्ले विद देयर टॉयज। इसी तरह लेदर हम देखते हैं कि वो बड़ा एक यूनिक मटेरियल है जो हर बंदा पसंद करता है, लेकिन पाकिस्तान में सिंपल लेदर जैकेट्स मिलती हैं। तो एक बच्चे ने लेदर से प्ले करते हुए कुछ न्यू डिजाइन क्रिएट किए हैं, कंसीडरिंग एस्थेटिक्स एंड फंक्शनैलिटी बोथ। एंड देन देयर इज समबडी जिसने निटवेयर को बीट्स के साथ मजीद इन्हांस किया है, अपसाइक्लिंग की हुई है, और उसके बाद ये बच्ची ने शायद डिप्रेशन से रिलेटेड कोई काम किया है। दिस इज द रिवाइवल ऑफ फुलकारी एंड इट्स यूनिसेक्स, दिस इज द डिस्प्ले ऑफ यूनिसेक्स गारमेंट्स, एंड हर इंस्पिरेशन वॉज ट्रक आर्ट। आज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिफरेंट, मुझे सब बच्चों के थीम तो नहीं याद, लेकिन जैसे आप ये देखें, ये एक बच्चे ने सोलर पैनल्स यूज किए हैं बाइकर्स के यूनिफॉर्म में। Actually, there is no specific theme. Everybody took their own inspiration. They have their own themes, their own topics, their own titles, and everything was approved by the panel. And students did this in 1 year as per the instructions of their supervisor. So you will see different things. I mean, from sustainability to fast fashion to from upcycling to recycling, there are a lot of things. And also, you can see menswear, womenswear, kidswear. So students are doing, you know, they are playing different roles in the fashion industry. If you come with me, I can show you inside as well. ये बच्चों ने, किसी बच्चे का थीम ओशन है, किसी का आई थिंक कोरल रीफ्स है। ये एक बच्चा है, आए जरा आप। इस बच्चे ने जो पेट बॉटल्स हैं उनसे एक थ्रेड क्रिएट किया है, पहले यार्न क्रिएट किया है, यार्न को थ्रेड में कन्वर्ट किया है, थ्रेड को फैब्रिक में कन्वर्ट किया है, और फिर फैब्रिक से गारमेंट्स बनाए हैं। ये वाला जो डिस्प्ले है, इसी तरह ये स्विम वेयर है, ये फिनिक्स से इंस्पिरेशन है और पुराने गारमेंट्स को मजीद इन्हांस किया है। और ये बच्चे ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की है कि जब आप बात करते हो तो उसके साथ ये जो लाइट्स हैं ये ब्लिंक करती हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको स्टूडियोज लेके जाऊंगा और उधर आपको मजीद यू विल बी अमेज्ड टू सी द माइंड बोगलिंग आइडियाज स्टूडेंट्स हैव वर्कड ऑन। एंड फॉर मी एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद द टीम एफर्ट। ऑल माई स्टूडेंट्स, द फैकल्टी मेंबर्स, इंटायर मैनेजमेंट स्टाफ, एवरीबडी परफॉर्म वेरी वेल, एंड वी वर एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर द एग्जीबिशन। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, टुडे आई कैन से दैट आई एम प्राउड ऑफ माई टीम, द वे दे हैव वर्कड एंड द वे दे हैव परफॉर्म्ड इन, आई मीन देयर एफर्ट्स वर एक्सेप्शनल कंसीडरिंग the event was quite massive and it was quite difficult for us to manage everything, but the way faculty performed, that was exceptional. So thank you very much. I'll see you in the next studio.